आज दिनांक 13 अक्टूबर 2020 को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब और एंटीजन टेस्टिंग के जो नतीजे अभी तक प्राप्त हुए हैं, इसमें सागर से 20 लोगों की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव पाई गई है। इसके अलावा 10 लोग जिनका इलाज चल रहा था, ये स्वस्थ होकर और डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। आज कुछ मैं ये जो देख रहा था, इसमें से आपको बताता हूँ कि पिछले कई दिनों से मकरूनिया के केसेस काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, तो ख़ास तौर से जो मकरूनिया की जनता है उनसे अपील करूँगा कि वो सावधानी बनाए रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें, और अगर कोई भी दिक्कत होती है जल्दी से जल्दी आप आके और जो है ये अपने नज़दीकी जो फ्लू क्लिनिक है, फ्लू ओपीडी जो कहलाती है, बुखार वाली क्लिनिक, वहाँ पर दिखाएं कोई भी इस प्रकार की समस्या होती है। तो आज की डिटेल में आपको बता देता हूँ। पहले जो है ये 35 वर्षीय पुरुष देवरी से, दूसरे 33 वर्षीय पुरुष मोहननगर वार्ड से, तीसरे जो है 56 वर्षीय पुरुष चक्राघाट, चौथे जो हैं 47 वर्षीय महिला मकरूनिया, इसके बाद 50 वर्षीय पुरुष मकरूनिया, 41 वर्षीय पुरुष गोपालगंज, 65 वर्षीय पुरुष अहमदनगर, 25 वर्षीय पुरुष मकरूनिया, 14 वर्षीय बालक मकरूनिया, 51 वर्षीय पुरुष एवं 38 वर्षीय पुरुष कैंट से, 57 वर्षीय पुरुष और 48 वर्षीय महिला देवरी से, 47 वर्षीय पुरुष कैंट से, 32 वर्षीय पुरुष एवं 29 वर्षीय पुरुष दोनों मकरूनिया से रेलवे गेट के पास, इसके अलावा 32 वर्षीय पुरुष बाहुबली कॉलोनी, 30 वर्षीय पुरुष भूतेश्वर रोड, इसके बाद 64 वर्षीय पुरुष सिविल लाइन, 71 वर्षीय पुरुष तिलकगंज। तो आज का यही अपडेट है। नमस्कार।